सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई है। सिंचाई बांध परियोजना और पेयजल, इन तीन अहम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत हुई है। और क्या कुछ रिपोर्ट है, किस तरीके से ये परियोजनाएं चल रही हैं अभी उत्तराखंड में और किस गति से उनको आगे बढ़ना है, तो ये तमाम चीजों पर चर्चा बातचीत इस मुलाकात के दरमियान। पेयजल योजनाओं को लेकर भी मंथन हुआ कि किस तरीके से तेज गति के साथ इन योजनाओं को मुकम्मल किया जाएगा। इस मुलाकात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट कर लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किशाऊ परियोजना का संबंधित एमओयू किए जाने एवं उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की जल्द ही संयुक्त समीक्षा का अनुरोध किया, तो ट्वीट करके ये जानकारी दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और जानकारी लेते हैं कि और कितनी मुलाकातें बाकी हैं, क्या कुछ निकल के आया है इन मुलाकातों से। अविनाश, जरा डिटेल दीजिए। देखिए, इसने लता अगर बात करें तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मांग की है कि लखवाड़ बांध परियोजना में जो आगे के काम होने हैं उसके लिए केंद्र से पैसों की जरूरत है और ये रकम जल्द रिलीज की जाए। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि 4673 करोड़ रुपए जल्द उत्तराखंड सरकार को दिए जाएंगे जिससे कि ये जो परियोजना है उस पर जल्दी से जल्दी काम पूरा हो सके। वहीं अगर बात करें तो इस जल शक्ति मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है और उनसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 20 और 21 तारीख को दौरा होना है उसको लेकर विस्तृत चर्चा की है कि किस तरीके से वहां पे दौरे के दौरान कार्यक्रम करना है और किस तरीके से आगे के जो संगठन का कामकाज है उसको करना है। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्लियामेंट में मुलाकात की है। संसद भवन में उनकी ये मुलाकात चली है जिसमें सीमावर्ती इलाकों को लेकर बातचीत हुई है, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि अगर बात करें तो अब गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड में होगा जहां पे उनके दौरे को लेकर उनके कार्यक्रमों को लेकर भी बातचीत हुई है और अभी फिलहाल वो पहुंचे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए। मुरली मनोहर जोशी से शिष्टाचार भेंट करने के बाद वो वापस उत्तराखंड सदन आएंगे, फिर शाम 5 बजे उनकी मुलाकात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ होगी जहां पे तमाम तरह जो रोड के प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड के उनको लेकर के बातचीत होगी। बिल्कुल अविनाश, तो अहम रहा है जल शक्ति मंत्रालय से भी बातचीत और जिसके बिंदुओं को उन्होंने साझा किया है। कितनी अहम परियोजनाएं हैं और इसकी जरूरत अब तो और ज्यादा महसूस की जा रही होगी अविनाश, क्योंकि देखिए वक्त कम है, पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल, इसने लता अगर बात करें जिस तरीके से किसाऊ बांध परियोजना है, इसके अलावा अगर बात करें लखवाड़ बांध की परियोजना है, क्योंकि लखवाड़ बांध परियोजना की अगर बात करें तो 2019 में ही एमओयू इसका साइन हुआ था और उसके बाद से अगर बात करें तो उस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार यही चाह रही है कि अब जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए जिससे कि विधानसभा चुनाव से पहले एक संदेश दिया जाए कि इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीर है। इसके अलावा अगर बात करें तो पंचेश्वर जो है बांध परियोजना, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा वो उत्तराखंड अब तक उत्पादित हो रहे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटियों में से एक होगा, तो इसीलिए केंद्र सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस बांध परियोजना पे बातचीत हो। इसके लिए हालांकि नेपाल से भी बातचीत करनी है जिसके लिए विदेश मंत्रालय और भारत सरकार दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करके ये बिल्कुल इन पर चर्चा होने के बाद इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में सीएम इस वक्त मौजूद है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ की, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। सेलंग के पास सड़क धंसने का मामला सामने आया है और अब बीआरओ की टीम इस सड़क की मरम्मत में जुटी हुई है। सड़क बंद होने की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है, बारिश की वजह से भूस्खलन भी है। तो सेलंग के पास सड़क धंसने का मामला सामने आया और सिर्फ इतना ही नहीं है, लगातार भूस्खलन से इस रास्ते को ठीक करना भी मुश्किल हो रहा है। बीआरओ की टीम लगी हुई है इसे ठीक करने के लिए।